ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर सिंगल्स। तो ये जो सिंगल्स हैं, आप किसी भी रीज़न से सिंगल हो सकते हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल या तो नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, या सेपरेशन से, या ऑन ऑफ रिलेशनशिप रह सकता है, या हो सकता है कि आप अभी रिसेंटली आपका कुछ लीगल इशू हुआ हो और डाइवोर्स हो गया हो, कुछ इस तरह से भी आप अलग हो सकते हैं और अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं। तो या फिर अभी तक लाइफ में आपको कोई मिला ही नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या दिख रहा है, क्या कोई आने वाला है, कोई न्यू पर्सन आने वाला है, या आपकी लाइफ में ओल्ड पर्सन ही कम बैक करेगा। और दूसरा, हम लव ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि ज़िंदगी में आप जो इस भी पड़ाव पर हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हम आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस निकालेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, हम रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले जिसने पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और जिसने ये रीडिंग के मतलब देखने के लिए फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मेरे चैनल पे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बहुत बार आए हैं, नहीं किया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। और एनर्जी को क्लेम करना अगर मैच होती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा काम अच्छा है और आपके साथ मैच हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे काम को अप्रिशिएट करें कॉमेंट्स करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं रीडिंग को। बाय। सो सजिटेरियस, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी क्या एनर्जी है, आप किस तरह के पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उसकी दूसरे डेक से रीडिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी से कि आप क्या फील करते हैं इस सिचुएशन में। टेन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो सजिटेरियस, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग आई है आपकी लाइफ में, और इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं दिख रही कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में और एक फेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। या तो उसी करंट पार्टनर के साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ है, या एक सेपरेशन आया है, कुछ ऐसा हुआ है। आप तंग आ गए हैं, लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। अब आपने बोला कि बस बहुत हुआ, दिस इज़ टू मच नाउ, अब बहुत हुआ ऐसा दिख रहा है मुझे। यू वॉन्ट टू ओवरकम, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन। चिंता विंता या ये सब अब आप नहीं ले सकते अपने ऊपर, आप तंग आ चुके हैं। हालांकि मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी दिख रही है कि आपने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दी है, और कहीं ना कहीं अब आप अपने वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और वक्त अच्छा भी आ रहा है आपका, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो लक अब आपके हक में आएगा सजिटेरियस, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होने भी नहीं वाली है। आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे, और चीज़ों को एक जैसे कहते हैं ना, बहुत कूल वे में आगे डील भी करेंगे। लेकिन मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहते आप, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं आप किस तरह के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कोई न्यू पर्सन आ रहा है या ओल्ड पर्सन ही वापस कर रहा है। ठीक है, तो क्या है एनर्जी इस न्यू पर्सन की, या फिर एक्स की, या फिर सो सजिटेरियस की लाइफ में किसकी एनर्जी है। एट ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्हील ऑफ फॉर्चून देखा आपके में भी आया था, एंड दिस इज द सेम व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगर ये एक्स है तो सुन लीजिए, ये भी इस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। आपका जो भी एक्स है वो भी आपके रिलेशनशिप से ही बाहर निकल रहा है, बाहर निकल के अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ों को ढूंढ रहा है। आई थिंक उसको भी ऐसा लगता है कि हम आपके और उसके रिश्ते में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कंफ्यूजन, चिंताएं, फलाना ढिकाना हो चुका है, और अब वो और नहीं सह सकता।
सो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो नहीं ये सब चीज़ें झेलना चाहता। सो अगर ये एक्स है सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है कि ये अपनी लाइफ में खुद आगे मूवमेंट पे है, आगे की तरफ देख रहा है, आगे के बारे में सोच रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, बट हाँ इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहता है, उसके तो मुझे कार्ड्स नहीं दिखे, बट नहीं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ये मतलब अपनी ही उसमें है, एटीट्यूड में और उसमें है। और देखिए अगर ये कोई नया पर्सन है तो मुझे आपकी तरफ एक न्यू पर्सन के आने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, जो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत पर है, एक न्यू बिगनिंग पर है, ज़िंदगी को एक नया मौका दे रहे हैं, ज़िंदगी को एक नए तरह से संभालना चाहते हैं, एक नया सूरज देखते हैं जैसे कहते हैं ना हम, तो न्यू पर्सन के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ की आपकी लाइफ में ओल्ड पर्सन की वापसी के। ठीक है, मैं लव ओरेकल से देखती हूँ कि सैजिटेरियस आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। सो लव ओरेकल से कहते हैं कि क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू, अगर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का मतलब है, अगर हम एक दूसरे की सिर्फ कमियां ही निकालते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे आपस में सुख शांति चली जाएगी। सो सैजिटेरियस जब भी आप कभी रिलेशनशिप में अब की बार जाएं या अगर पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक दूसरे की कमियाँ नहीं निकालनी है, उससे रिश्तों में खटास आ जाती है। तो जो जैसा है प्लीज़ उसे वैसा ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। एंड अगला है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन इन लाइफ, तो हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों हुई हमें नहीं समझ में आता। कभी कभी कुछ चीज़ों का एक हायर पर्पस होता है जो कि हमें बहुत बाद में जाके पता लगता है, हमें कभी कभी उस टाइम पता ही नहीं लगता, अरे ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में अच्छा ये इसलिए हुई थी, कभी कभी ऐसा होता है। सो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों, वो मिसिंग पीसेस अभी आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ कैसे हुआ और आपको समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि वो इसलिए हो रहा है। बट आप घबराए नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब ये गुत्थी पूरी सुलझ जाएगी। ठीक है, तो आपने चिंता नहीं करना। और ये जो भी एक बहुत बड़ा अगर आपकी लाइफ में एंडिंग आई है जैसे कि आपकी रीडिंग में दिखा, ये एक ब्लेसिंग की तरह ही आएगा आगे चल के, आपको ये एक ब्लेसिंग के रूप में आएगा, आपको समझ आएगा कि क्यों मेरे जीवन में ये चीज़ें हुई, क्या मुझे ये सिखाना चाहती थी, क्या था इनके पीछे का मेन मतलब। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस। सो एम्ब्रेस द चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। सो अगर आपका लाइफ में, किसी की भी लाइफ में आपका जगह बदल रहा है, आपको लगता है कि हाँ मेरा उस पर्सन की लाइफ में एंडिंग हो गया है और एक चेंज ऑफ प्लेस हुआ है, पहले तो मैं हर वक्त उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे था और अब कहीं नहीं हूँ, तो उस पूरे ट्रांजिशन को बहुत ध्यान से होने दीजिए और उसको भी एक्सेप्ट करें और उसमें भी खुश रहने की कोशिश करें, उसमें किलसे नहीं, ठीक है, रोए नहीं। और अगला है मिसयूज़ ऑफ़ द पावर, तो पावर का कहीं भी इस्तेमाल मिसयूज़ मत करें। अगर आपको भगवान ने ब्लेस किया है कितनी अच्छी चार पांच जो भी आपको गुण दिए हैं सैजिटेरियस, जो आपको ऊपर वाले ने अच्छा दिया है, उन चीज़ों से दूसरों का भला करने के बारे में सोचें, एरोगेंट ना हो और सेल्फिश बनकर कुछ ऐसा ना कर दें। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है आपकी रीडिंग सैजिटेरियस, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ।